हजरत जुनैद बगदादी कादरी सिलसिला ना, मैं ये है मेरे तरीके मलंग का दर्द। वो लिखा है कि जाहिर है हजरत का चाहो जलाल था एक जुनैद माए रोज तो नहीं ना पैदा कर करती हजरत है घर घर जमन चिड़िया ते घर घर जमन कां ओ कदी कदी ते किते किते ओ जमदे जुनैद जणा दा नाम है। क्या जुनैद माए रोज पैदा करती हैं हजरत? कभी कभी आते हैं जुनैद हजरत। तो जाहिर है हजरत सिलसिला आलिया कादरिया के शुयूख में हजरत का आना जाना आपका जाहो जलाल। वो लिखा है कि बगदाद में को नवा नवा चोर आया, उसने जब हजरत का आना जाना देखा तो उन्होंने कहा ले भाई वाह भाई माल है। वो हजरत नमाज पढ़ने के लिए गए तो उसने दीवार फलांगी और हजरत के घर आ गए, लेकिन दुकार आके देखा तो नामी यार दे अलावा कख भी नहीं है, कुरान है, लोटा है, मसल्ला है, नीचे एक चटाई बिछी हुई है। बड़ा हैरान हुआ, हजरत का बड़ा जाहो जलाल है, ये तो कुछ भी नहीं निकला है। लेकिन उसने कहा जाना मैंने भी नहीं है, लेके जाऊंगा कुछ ना कुछ। बड़ी तलाश के बाद उसे हजरत का एक कुर्ता मिल गया, उसने उठाया लेके चला गया। अब जब बाजार गया ना बेचने के लिए कुर्ता, तो वो दुकानदार कहता है कुर्ता तो तब खरीदूंगा जिस बात पे गवाह लाएगा कि कुर्ता तेरा अपना है। अब गवाह कहां से लाए, उसने तो चोरी किया। वो एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान करता करता उस दुकान पे पहुंच गया जो मस्जिद के बिल्कुल सामने थी। उतनी देर में हजरत शेख जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि नमाज पढ़ के ना बाहर निकल रहे थे। आवाज बुलंद थी दोनों की, वो कह रहा था खरीद ले, वो कह रहा था गवाह लेके आ। वो आगे से कह रहा था मैं गवाह कहां से लेके आ, कहता गवाह नहीं लाएगा तो खरीदूंगा नहीं। हजरत ने तवज्जो फरमाई तो क्या देखा, कुर्ता आपका ही है जो बेचने निकला हुआ। हां जी हजरत शेख थे उस वक्त, चाहते तो खाल उतरवा देते, छड़ियां पड़वाते, जो चाहते सो कर देते। लेकिन मैं कहता हूं और सन अली दे मलंग हैं, जाके ना दुकानदार को कहते हैं ओ भाई क्यों कुर्ता नहीं खरीदता, या जुनैद की गवाही काफी नहीं कि ये कुर्ता इसी का ही है। ओ हल्का है यारा तो रेशम की तरह नरम, रज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ना, खुदा के बंदे तो हैं हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। यही है हजरत पैगाम अहले बैत है।